नहीं तो राहुल गांधी इस सदन में आके माफी मांगना चाहिए। सर, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। सर, हमारे कर्नाटक में तो विश्वगुरु बसवण्णा ने ये अनुभव मंडप किया था, जो बोलना चाहते हैं, जो बार बार प्रधानमंत्री जी जिक्र करते हैं। ऐसे देश से आते हुए इस सदन के एक सदस्य श्रीमान राहुल गांधी विदेश के धरती पे जाके एक तो स्पीकर के ऊपर अस्पर्शन, कास्ट अस्पर्शन ऑफ द स्पीकर, चेयर के ऊपर आरोप लगाते हैं। सर, उनका माइक पूरा चालू था, सर शुरू था, जब आपने उनका पूरा मौका दिया उन्होंने पूरा बोला। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, व्हेन द फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, हु वाज इन पावर? सर, डेमोक्रेसी का क्या हो गया था? जब एक ऑर्डिनेंस जिसमें मनमोहन सिंह जी के अध्यक्षता में शरद पवार, प्रणब मुखर्जी जैसे नेता एक ऑर्डिनेंस प्रमुगलिगेट किया था, उसको सारे मीडिया के सामने फाड़ के फेंक दिया था और उसको नॉनसेंस कहा गया था, उसको नॉनसेंस कहा गया था। व्हेन वाज द डेमोक्रेसी एट दैट टाइम? सर, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर लुक्स, देन प्राइम मिनिस्टर लुक्ड हेल्पलेस, वेयर आर द डेमोक्रेसी? सर, ऐसे व्यक्ति जाके जब पूरा मौका मिला है, उन्होंने इंटरवेंशन भारत के इंटरनल मामले पे, उन्होंने विदेशी शक्तियों को, विदेशी ताकत को इंटरवेंशन करने का, यूरोप और अमेरिका को भारत में हस्तक्षेप करने का मांग करते हैं, मैं ये टोटल कंडम करता हूं। सिर्फ हम नहीं सर, सारे हमारा सदन कंडम करना चाहिए। थोड़ा कुछ भी शर्म है तो राहुल गांधी इस सदन में आके माफी मांगना चाहिए, यही हमारा डिमांड है। सर।